नाइन्थ मैथ्स में अध्याय 10 पढ़ रहे थे, जिसका सेकंड पार्ट जिसका नाम है व्रत, उसका अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, व्रत के बारे में याद कीजिए कि दो व्रत सर्वांगसम होते हैं, यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हो, सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम व्रतों की त्रिज्या उनके केंद्रों के बराबर कोण अंतरित करती है। दिया है सबसे पहले सी, सी यानी सर्किल जिसका केंद्र ओ ए और त्रिज्या आर। तो यहां पे देखो चित्र ए बी सी, एक त्रिभुज बनाया वृत्त के अंदर, पी क्यू आर दूसरा त्रिभुज, ठीक, और बी सी इज इक्वल टू क्यू आर है, यानी ये जो बी सी रेखा है ये क्यू आर रेखा के बराबर है। क्यू आर यह भुजाएं त्रिभुज की, ठीक, सिद्ध करना है कि कोण बी ए सी बराबर कोण क्यू पी आर है, ठीक, डी ए सी यह वाला कोण और क्यू पी आर, ठीक, कोण ए इज इक्वल टू कोण बी, ये सिद्ध करना है, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं, उत्पत्ति से शुरू करेंगे। त्रिभुज एबीसी में और त्रिभुज पी क्यू आर में क्या करेंगे, तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे कि कौन कौन सी भुजाएं बराबर है, ठीक। तो सर्वप्रथम बी सी भुजा क्यू आर के बराबर है, ये आ गया फर्स्ट, क्योंकि ये दिया है क्वेश्चन। हाँ, AB इज इक्वल टू PQ, A से B भुजा PQ भुजा के क्या है, बराबर है, सर्वांगसम व्रतों की त्रिज्या। तीसरा AC इज इक्वल टू PR, AC भुजा PR के बराबर है। तीसरा, अच्छा जब तीनों भुजाएं बराबर हैं तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज PQR के। सर्वांगसम का चिन्ह देखिए, दो लाइन और इस तरीके का एस, ये कहलाता है सर्वांगसम, ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया। अतः कोण बीएसी बराबर कोण पीक्यूआर स्टूडेंट, हमने ये समझाया था आपको कि कोई भी तीन भुजा या तीन कोण को बराबर करते हैं तो वे जो त्रिभुज है वो सर्वांगसम होते हैं और सिद्ध हो जाते हैं, ठीक। तो ये तीनों जो है भुजाएं ले ली है तो कोण बी ए सी बराबर क्यू पी आर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम व्रतों की बराबर त्रिज्याएं उनके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करें तो जीवाएं बराबर होती हैं, ठीक। दो जो है व्रत बनाए गए हैं, देखिए चित्र में चलिए, अब दिया है सी ए आर, सी ए आर का मतलब होता है कि सर्किल ऑफ इसका केंद्र ए और त्रिज्या आर है, ठीक। चलिए एक रेखा बनाते हैं ए बी देन ए सी फिर बी सी, ये ए बी एंड सी दो वृत्त हैं ये। अब और पी क्यू आर इसको भी देखते हैं, पी क्यू और आर, हमने एक रेखा खींची स्केल द्वारा, इसका भी होगा सी और पी और आर। आर का मतलब होता है रेडियस या त्रिज्या, वृत्त के केंद्र से जो वृत्त किसी बिंदु पर खींची जाती है, ठीक। अब दोनों को कंपैरिजन करेंगे, ABC या PQR, ठीक।
भुजा है ए बी वो दूसरा जो वृत्त है उसके त्रिभुज की पी की भुजा के बराबर है। ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। भुजाएं हैं ये दोनों वृत्तों की, हम तुलना कर रहे हैं ठीक। चलिए उसके बाद कोण बी ए सी, बी ए सी ठीक है। कोण ए कहां पर है देखिए, कोण ए ये देखिए कोण ए और कोण बी ठीक ये है। तो कोण बी ए सी कोण क्यू पी आर के बराबर, बी ए सी क्यू पी आर ये बराबर। नेक्स्ट ए सी इज इक्वल टू पी आर, ए सी यानी त्रिभुज की भुजा ठीक और पी आर ये भी बराबर है। नेक्स्ट अतः जब एक भुजा एक कोण और एक फिर से भुजा दो भुजा और एक कोण बराबर है तुलना करने पे तो वह त्रिभुज क्या होगा सर्वांशम होगा। तो सर्वांशम कैसे लिखते हैं, त्रिभुज एबीसी सर्वांशम का चिन्ह देखिए इस प्रकार होगा, इस प्रकार से दो लाइन और एक एस ठीक है। यह होगा सर्वांशम का त्रिभुज पी क्यू आर ओके ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, वृत्तों के कई जोड़े युग्म खींचिए यानी पेयर खींचिए, प्रत्येक जोड़े में कितने बिंदु उभयनिष्ठ हैं, उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या क्या है। देखिए आपको चित्र दिया गया है फर्स्ट में, पहला वृत्त बनाते हैं सेकंड वृत्त। अगला प्रश्न, वृत्तों के कई जोड़े खींचिए जिनमें प्रत्येक जोड़े कितने बिंदु उभयनिष्ठ हैं, उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या क्या। पहला वाला देखते हैं कि पहले वाले चित्र में क्या मेंशन है, प्रत्येक जोड़े में जीरो एक या दो बिंदु वनिष्ठ है, वनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या दो है। तो मान लीजिए आपको एक वृत्त दिया है, एक रचना इसके केंद्र को ज्ञात करने के लिए कीजिए ठीक। दिया है बिंदु पी क्यू और आर, वृत्त सी ओ आर पर स्थित है, रचना पी आर और क्यू आर को मिला है ठीक। पी आर ठीक, एक बिंदु ये और क्यू आर ये मिलाया तथा इसके लंब समद्विभाजक खींचे जो परस्पर ओ बिंदु पर कट करते ठीक। तो ओ बिंदु ओ को केंद्र मानकर तथा ओपी को दिल ओपी के त्रिज्या लेकर एक व्रत बनाया, यानी अभिष्ट व्रत होगा। नेक्स्ट है केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब ठीक। अब एक व्रत है आप देख रहे हैं ठीक, कि यदि किसी वृत्त के केंद्र ओ से, केंद्र बिंदु ओ है, जीवा ए बी पर लंब डालते हैं ठीक। ये जीवा होती है ए बी पर लंब, ये इस तरीके से इसको डालते हैं तो ये लंब जीवा को दो बराबर भागों में क्या करती है डिवाइड करती है। तो वो जो दो बराबर भाग है वो कौन कौन से है, ये ए एम एम ए और दूसरा भाग है एम बी यानी बी ठीक। और इसको कहते हैं लंब, इसका अर्थ है कि जो ओ एम जो रेखा है ओ एम रेखा ए बी पर लंब होती है ठीक। चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण ठीक। चित्र में एक वृत्त जिसका केंद्र ओ तथा चाप ए बी, एक ए बी यहां से ए से बी की ओर एक चाप लगा है तो कोण ए ओ बी चाप ए बी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कहलाता है। आपको बेटा डिवाइडर से करना पड़ेगा, जो प्रकार होता है ना उससे आपको ये वो चाप को जो है वो बनाना पड़ेगा ठीक। यदि चाप लघु चाप ए सी बी हो, ए सी बी क्या है लघु है और ए डी बी
क्या गिफ्ट था। ठीक, और 180 से कम होता है, और यदि चाप दीर्घ चाप हो तो चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण 180 से अधिक और 360 से कम होता है। होमवर्क है, व्रत की परिभाषा चित्र सहित लिखिए। ठीक है, आप व्रत बनाएंगी एक सहायता से, प्रकार की सहायता से। प्रश्नावली 10.2 के सवालों को हल सहित लिखिए और 10.3 के सवालों को भी सहित लिखिए। चित्रों को जरूर नामांकित करिए, अच्छे से बनाइए, पढ़िए। थैंक यू सो मच।